जब प्रकाश मेहरा जंजीर बनाने लगे तो धर्मेंद्र, राजकुमार और देवानंद ने कोई न कोई बहाना बनाकर ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि तब जावेद अख्तर ने कहीं से उनका टेलीफोन नंबर ढूंढा और उन्हें फोन कर कहा कि वो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सुनाना चाहते हैं। अमिताभ उन दिनों इतने व्यस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें तुरंत आ जाने के लिए कहा। जावेद अख्तर टैक्सी पर अमिताभ बच्चन के घर मंगल पहुंचे, जहां उन दिनों वो रहा करते थे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमिताभ ने जावेद अख्तर से पूछा कि क्या उनमें ये रोल करने की क्षमता है। जावेद ने उन्हें समझाया कि अगर कोई ये रोल कर सकता है तो वो है आप। कई सालों बाद अमिताभ बच्चन ने जावेद अख्तर से पूछा, क्या सोचकर आपने प्रकाश मेहरा को मुझे फिल्म में लेने के लिए कहा था। जावेद का जवाब था, मैंने बॉम्बे टू गोवा देखी थी, उस फिल्म में आपके और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच एक फाइट सीन था। फाइट सीन की शुरुआत में आप चिंगम खा रहे थे, मुक्का खाने के बाद जब गिर कर उठे तब भी आप चिंगम चबा रहे थे। वो दृश्य देखकर ही मैंने तय किया कि जंजीर फिल्म आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। जावेद अख्तर प्रकाश मेहरा को लेकर रूपतारा स्टेडियम पहुंचे, जहां अमिताभ, जितेंद्र और हेमा मालिनी के साथ गहरी चाल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहीं पर अमिताभ ने अपने कैरियर की 13वीं फिल्म साइन की थी। यही नहीं, इस फिल्म में उनकी होने वाली पत्नी जया भादुड़ी को उनकी हीरोइन के तौर पर साइन किया गया। बाद में अमिताभ से पूछा गया कि अगर उन्हें जंजीर नहीं मिली होती तो उन्होंने क्या किया होता। अमिताभ का जवाब था, मेरे पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं थी, कोई भी मुझे रोल नहीं दे रहा था। उस समय जंजीर ही अकेली फिल्म थी जो मेरे हाथ में थी।